हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, मैंने लास्ट टाइम आपको कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, बट मे बी वो एक टेक्स्ट बुक्स थी और इसलिए उसमें कोई ग्राफिक्स अच्छी नहीं थी। तो टुडे मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक इन्फो अबाउट द हार्डवेयर। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो हम लोग देखते तो हैं लेकिन उसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो कंप्यूटर्स सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, और सीनियर स्टूडेंट हो या जूनियर स्टूडेंट, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। देखिए डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर में आप जानते हैं एक केस होता है, जैसे कि आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक केस है। इस केस में आपको क्या क्या मिल रहे हैं आप खुद ही समझ रहे हैं। इस केस में आपको पावर सप्लाई मिल रहा है, इस केस के अंदर आपको डीवीडी रोम ड्राइव रहता है, इस कोर्स में आपको कुछ रीडर ऑल इंटरनल होते हैं, मेन आपका हार्ड डिस्क होता है, और साथ ही साथ आप और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मदरबोर्ड, और उस मदरबोर्ड्स में क्या होते हैं, सीपीयू होते हैं, सीपीयू फैन लगे होते हैं, और ये रैम लगा होता है, साथ में वीजीए कार्ड होता है, साउंड कार्ड होता है। ये सारी चीज़ें हमारी इसी केस के अंदर पाई जाती हैं। और जो ये तो हमने बात कर लिया इंटरनल की, और एक्सटर्नल आप सब जानते हो, एक्सटर्नल हमको क्या क्या दिखाई देते हैं, मॉनिटर दिखाई देते हैं, स्पीकर दिखाई देते हैं, कीबोर्ड दिखाई देते हैं, माउस, ये सारे हमारे क्या हो गए, एक्सटर्नल पार्ट हो गए। और इंटरनल पार्ट की बात करेंगे तो ये हमारे इंटरनल पार्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंटरनल पार्ट हैं, ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि ये हमारा कंप्यूटर केस के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं जो इस सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम बनाता है, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट्स कोई काम के नहीं जब तक ये एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे कि आपको इस पिक्चर्स ग्राफिक्स से ये जानकारी मिल रही है, और आपको मैंने पहले भी बता दिया है कैबिनेट होता है, ठीक है। और इस कैबिनेट्स में ये सारे जो आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये सब इसी के इंटरनल पार्ट्स हैं, सबके नाम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, एक ऐसी चीज़ जो आपको आपके कोर्सेस में भी बहुत इन्फॉर्मेशन देगी, साथ ही साथ आपको प्रोफेशनल में भी काम आएगी। चलिए देखते हैं। देखिए ये मेन जो आपको सामने जो आपको दिखाई दे रही है, ये कैबिनेट है, ठीक है। कैबिनेट के अंदर ये सारे पार्ट्स ठीक है लगे हैं, ओके। सीपीयू फैन लगा है, ये एसएमपीएस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, इसके अंदर एक सीपीयू है, सीपीयू सॉकेट है, रैम है, ऑप्टिकल ड्राइव सीडी डीवीडी चलाने के लिए, और हार्ड डिस्क हो गया, और सीपीयू हीट जो उसको ठंडा करता है। चलो ठीक है, ये जानकारी हमको यहाँ से मिल गई। अब आप देखिए सीपीयू के आपने बैक साइड में आप क्या दिखाई देता है, बैक साइड में आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ये सीपीयू का बैक साइड है। अब आप जब कभी बैक साइड आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर PS2 पोर्ट है, यहाँ पर USB पोर्ट है, यहाँ पर सीरियल पोर्ट है, यहाँ पर VGA पोर्ट है, यहाँ पर स्पीकर है, लाइन है, माइक्रोफोन का भी दिया हुआ है, गेम का भी दिया है, प्रिंटर लगाने का दिया है, ईथरनेट पोर्ट का दिया है, PS2 पोर्ट है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या बता रहे हैं, चलो ठीक है नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताते हैं। देखिए ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ये आपके माउस कीबोर्ड लगाने के लिए होता है। आप माउस लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास जो माउस कीबोर्ड आ रहे हैं वो USB के भी आने वाले हैं, USB पोर्ट से आते हैं, तो हम USB पोर्ट का भी इस्तेमाल करके कीबोर्ड और माउस चला सकते हैं, ठीक है। और ये इसके जो नीचे आते हैं जो सीरियल पोर्ट है, ये एक मॉडम, जैसे इंटरनेट मॉडम डिवाइस लगाने के लिए होता है, वो मॉडम के लिए हो गया है।
और ये वीजीए बोर्ड ये मेन होता है, ये आपके मॉनिटर को केबल के लिए लगाया जाता है, और ये स्पीकर है जहाँ आप स्पीकर लगाते हैं, और ये आपका माइक्रोफोन है जिसे आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और ये आपका जॉयस्टिक है जहाँ से आप गेम इस्तेमाल करते हैं, और ये आपका प्रिंटर है जहाँ आप प्रिंटर लगाते हैं, और ये ईथरनेट नेटवर्क है जब आपको बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ने होते हैं तो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गई पीछे की इंस्ट्रक्शन, आप आई होप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, आगे की कहानी क्या है कि देखिए बच्चों, आपने बाहर से कंप्यूटर को हर तरीके से देखा है, हाँ, कि ये कंप्यूटर है जिसमें आपका सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है, सीडी डीवीडी है, चलिए ठीक है, हार्ड ड्राइव जो कि अंदर लगे होते हैं, प्रिंटर, ये सब आप जानते हैं और देखा भी है। तो जो चीज़ देखा है जानते हैं उसकी बात तो हमने एक कर ही ली है, आइए देखते हैं जो चीज़ अंदर होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिक्स में आपके एक्सटर्नल पार्ट्स हो गए, और मेन हमारा सीपीयू होता है जिसके पीछे ये पोर्ट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी पोर्ट्स ढीले हो जाते हैं तो आपको लगाने में याद। हमने कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन क्या आप जानते हो इस पिक्चर्स ग्राफिक में तो मैंने ऐसे दिखा दिया कि ऐसे होता है, हाँ ऐसे ही होता है। आइए हम आपको और अच्छे तरीके से दिखाने के समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं एक सीपीयू कैबिनेट आपको नज़र दिखाई दे रहा है। देखिए ये एक मदरबोर्ड हो गया आपका सामने, ये मदरबोर्ड है, ये आपको रियल का मदरबोर्ड है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपका मेन आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यही है, ये सीपीयू है जिसका एक पैनल मैंने खोलकर आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे हाथ में सीपीयू आ गया, और ये सीपीयू सॉकेट है, ये क्या है, सीपीयू सॉकेट, और ये मेरे हाथ में सीपीयू है, ये सीपीयू सॉकेट, ओके। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये मैंने इसको यहाँ पे पैक कर दिया। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या हो रहा है, ये पूरा मदरबोर्ड का है, आपको सारी जानकारी जानने की ज़रूरत नहीं कि आप बेसिक। अब इस सीपीयू के ऊपर एक फ़ैन होता है जो सीपीयू को कूल करता है, यही एक फ़ैन लगा होता है जो सीपीयू को कूल करता है, तो कूल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सीपीयू हीट करता रहता है, तो सीपीयू को कूल करने के लिए सीपीयू फ़ैन इस तरह से लगाया जाता है। ये मैंने आपको सीपीयू फ़ैन, क्योंकि सीपीयू दिखता नहीं है, ये एक ब्रिज है, इसको नॉच ब्रिज कहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, ये साउथ ब्रिज हो गया, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं लेकिन आप बेसिक इन्फॉर्मेशन में ध्यान दीजिए। ये साउथ ब्रिज हो गया जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये हमारा रोम है, रीड ओनली मेमोरी, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ रीड ओनली मेमोरी कहाँ होती है, ये रही रोम है जो निकला नहीं सकता, ये हमारा सीपीयू का हिस्सा हो गया, ठीक है। ये हमारा नॉच ब्रिज हो गया, ये मेरा साउथ ब्रिज हो गया, और ये हमारा रीड ओनली मेमोरी रोम हो गया, राइट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये आपको जो आपको दिखाई दे रहा सामने एक लंबी सी सॉकेट है, इसको रैम सॉकेट बोलते हैं, यहाँ पर रैम आप लगाते हैं, ये रैम निकल भी सकता है, लगाया भी जा सकता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जब चाहे जितना चाहे रैम आप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, जिसमें जितने सॉकेट उतने, यहाँ दो रैम लगाए जा सकते हैं, दो रैम आपका आराम से लगा सकते हैं, जब आपको रैम बढ़ाना हो तो आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इस मदरबोर्ड में यही चीज़ है, और ये आपके कुछ PCI बेस्ड स्लॉट होते हैं, 1, 2, 3, 4 होते हैं, ये आपके एक्स्ट्रा डिवाइस जोड़ने के लिए होता है, चाहे वो मॉडम हो या कोई नेटवर्क कार्ड हो, जैसे ये आपको सीपीयू के पीछे दिखाई दे रहा है, ये बाहर की ओर दिखा, ये निकल के आएगा यहाँ से, ये रास्ते दिए गए हैं कि आप कोई भी कार्ड आप लगा सकते हो, ये इसको अलग करके आप लगा सकते हैं, जो वाइट वाली जो यहाँ ये वाइट वाली आपको देख रही है, ये यहाँ से आपको शो करेगी, इसमें आपका नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड भी हो सकता है, या मॉडम भी हो सकता है, ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड भी हो सकता है, ग्राफिक्स कार्ड और मॉडम कार्ड आपका यहाँ से लग सकता है, ओके। अब आगे चलते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक केबल लगाने की जगह होती है, IDA केबल, और ये पावर सप्लाई के लिए पोर्ट होता है, ये IDA पोर्ट है, IDE मतलब आपका वो केबल जिससे आपके CPU मदरबोर्ड से जुड़ने वाले हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर CD ROM ड्राइव
वो उसमें आपको कनेक्ट करने के लिए होता है, ये आईडी केबल होता है, और इसको आपने हार्ड ड्राइव में लगा दिया, आपका हार्ड ड्राइव काम करने लगेगा। और हार्ड ड्राइव को केबल लगाने के बाद एक पावर सप्लाई भी दी जाती है इस पोर्ट से, ये पोर्ट से आपको पावर सप्लाई मिलती है। हाँ, ये पोर्ट से आपका पावर सप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर सप्लाई के लिए, हो गया ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। सीपीयू में लगा रहता है वो, हार्ड डिस्क तो अलग ही होता है लेकिन सीपीयू के अंदर और कैबिनेट के अंदर होता है। तो ये बात तो समझ में आ ही रही है कि ये हमारा मदरबोर्ड का मेन हिस्सा है, और ये हमारा वही पोर्ट है जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, सीपीयू के पीछे क्या क्या पोर्ट्स होते हैं, सीपीयू कैबिनेट के पीछे जिसमें आपका वीजीए केबल होता है, माउस लगाने के लिए होता है। तो इस तरह से मैंने बेसिक इन्फो बताने की कोशिश किया आपको, जिससे कि आप मदरबोर्ड को अच्छे से समझ सकें, इसके बेसिक स्ट्रक्चर देख सकें। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, वो आपको आगे के हायर स्टडी में ही बताई जाएगी। तब तक के लिए इस वीडियो के ज़रिए से मैंने आपको जो कुछ बताने की कोशिश की है, आप उसको रिप्ले करके ज़रूर ज़रूर से एक बार लर्न करिए और लोगों में शेयर करिए। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।